उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, घर पर एंजॉय कर रहे होंगे अपने टाइम को और साथ में स्टडी भी कर रहे होंगे। स्टडी करना तो ज़रूरी है बेटा, आपको इतनी सारी छुट्टियाँ मिल गई हैं, लेकिन इस समय हमें आवश्यकता है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की और साथ में अपने एकेडमिक का ध्यान रखने की, यानी कि स्टडी की। तो समय निकाल के पढ़ते रहिए और मम्मा पापा को तंग कम कीजिए। हमें पता है आप लोग घर पे बहुत शरारत करते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ मम्मा पापा का भी ध्यान रखना है और जितना हो सके अपने अभ्यास, अपने एकेडमिक, अपने सिलेबस की एक्सरसाइजेस स्वयं करने की कोशिश कीजिए। और आपके सॉल्यूशंस के साथ तो हम आपसे मिलते ही रहे हैं। तो यहाँ आज हम जो आए हैं आपके पास आपके अगले असाइनमेंट यानी कि असाइनमेंट नंबर 3, तीसरे असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ आए हैं। अब यहाँ बात आ रही है, ये असाइनमेंट आया था 9 अप्रैल को। इस असाइनमेंट में सॉल्यूशन देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो असाइनमेंट था वो अपने आप में ही एक सॉल्यूशन था। और ये असाइनमेंट इस प्रकार भेजने का तात्पर्य क्या था कि इस असाइनमेंट के अंतर्गत हमने आपको जो आपका पहला पार्ट था, आया वसंत, ये जो कविता थी छाई जग में शोभा अनंत, एक सुंदर सी कविता थी। इस कविता का पूरा राइटअप यानी कि वो कविता पूरी लिख कर दी थी और उसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर भी लिख कर दिए थे। उस समय काफी सारे बच्चों के पास पुस्तकें नहीं थी, किताबें नहीं थी, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था आप लोगों के लिए जुड़ना, किताबें कलेक्ट करना, पढ़ाई करना। तो हमने आपके लिए वो थोड़ी सी हेल्प की थी, किस प्रकार आपको कविता लिख कर भी दे दी थी ताकि आपको बिना टेक्स्ट बुक के भी आपको कविता पढ़ सकें, अपने शब्दार्थ उसमें दे दिए थे ताकि आप याद कर सके, प्रश्नोत्तर पढ़ सकें। अब यहाँ संक्षिप्त में हम इस पर बात कर लेते हैं। इस कविता के अंतर्गत जो आपको पूरा लिखकर दिया गया था, तो आपको कम से कम उसकी 8 या 10 पंक्तियाँ लिखकर याद कर लेनी है। पहला काम तो ये करना है, क्योंकि आप लोगों से परीक्षा में, टेस्ट में या आगे के समय में जब भी हम आपसे मिलेंगे तो श्रुति लेखन में या आपसे पंक्तियों के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो कविता आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? तो वो आपको करना है पहला काम। दूसरी बात ये कि जो शब्दार्थ आपको दिए गए हैं उस असाइनमेंट के अंतर्गत, आपको यहाँ पर हमने 8 शब्दों के अर्थ दिए थे, सुगंध, वन, मधुर, दिगंत, दिगंत, गान, कोकिला, पवन और अनंत, इन सारे शब्दों के अर्थ याद करना। प्रश्नोत्तर दिए थे और उन प्रश्नोत्तर के अलावा आपसे अनुच्छेद लेखन का अभ्यास भी आगे वाले असाइनमेंट में कराया था। तो यहाँ इन सारों को करते हुए सबसे हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना है। अब यहाँ ये महत्वपूर्ण बिंदु लिखने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर आप इन बातों को ध्यान रखोगे तो आपको ये कविता का पूरा जो सारांश है वो क्लियर हो जाएगा। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं में पहली बात थी वनस्पति जगत। वनस्पति जगत मतलब जब आपका वसंत ऋतु आती है तो प्रकृति के अंदर आप देखते हो वनस्पति यानी पेड़ पौधों में क्या परिवर्तन आता है। सरसों फूलने लगती है, सरसों में फूल आने लगते हैं, आम, आम में बोरा फूलने लगती है, यानी कि आम में फल आने से पहले जो फूल आते हैं वो आने लगते हैं, है ना, चारों तरफ हरियाली, सुंदर फूल खिल जाते हैं, तो ये सब वनस्पति जगत का परिवर्तन होता है। वातावरण, जब ये सारी वनस्पति फूल खिलते हैं तो क्या होता है, हवा सुगंधित हो जाती है क्योंकि उसमें फूलों की सुगंध मिल जाती है, ठंडा मौसम हो जाता है, सुख आनंद की अनुभूति होती है। पक्षी जगत, कोकिला भूतान गाने लगती है, भंवरे मंडराने लगते हैं, फूल खिलते हैं तो भंवरे उन पर मंडराने लगते हैं, तितलियां दिखती हैं, तो इस प्रकार वातावरण बड़ा ही सुंदर हो जाता है और उस सुंदर वातावरण में हर व्यक्ति को, पक्षियों को, जानवरों को, सबको आनंद की अनुभूति होती है, यानी खुशी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये जो वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु पर आधारित ये जो कविता है बड़ी ही सुंदर कविता है। और इस कविता को पढ़कर उसका मीनिंग समझिएगा। वीडियो मॉड्यूल हमने उसका पूरा डिटेल के साथ आपको भेजा है और उन सारों के अध्ययन करने के बाद जब आप इस असाइनमेंट को पढ़ेंगे तो उसके अंदर शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर को भी स्टडी करना है। इस असाइनमेंट के अंदर सिर्फ इतना ही करना है, आपको दी गई चीजों का अध्ययन करना है, अभ्यास करना है और उसे स्वयं लिखकर देखने की भी कोशिश करना है, बस इतना ही, और कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर आपको नहीं करना है। सो इसी उम्मीद के साथ कि आप प्रश्नोत्तर याद करेंगे, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और उनका सॉल्यूशन खुद लिखने की कोशिश करेंगे, हम आपसे फिर मिलेंगे आपकी अगली क्लास में अगले असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।